11 फिजिक्स लेसन 6। लेसन 6 क्या है? वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर क्या है? देखिए वर्क एनर्जी पावर समझिए, इसे सबसे पहले तो हम कंसेप्ट ऑफ वर्क समझते हैं। अभी तक हमने बात की है सब फोर्स के बारे में बात की है, फोर्स के बारे में बात की है सारी हमने। वर्क है क्या चीज? अभी तक हमने फोर्स फोर्स किया था, फोर्स का एक इफेक्ट है ये वर्क। हालांकि मैं गलत बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नॉट, इट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ वर्क। तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेट टू बी डन। एक्चुअली वर्क की कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक है नहीं कि वर्क है क्या, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन अभी नहीं है। लेकिन हम कहते हैं वर्क इज सेट टू बी डन, सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स, व्हेन अ फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेस अ बॉडी। जब कोई फोर्स किसी बॉडी को रियल में डिस्प्लेस करती है, व्हेन अ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेस अ बॉडी। जब कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ। मगर इस डिस्प्लेसमेंट में भी, इस डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि कहीं भी डिस्प्लेसमेंट कर दे। कंडीशन अप्लाई समझ लो इसमें, आप डिस्प्लेस करें लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। बुक्स में जो डेफिनेशन इसकी लिखी है, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेस अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां लेकिन मैं इस डेफिनेशन से कभी भी एग्री नहीं करता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में भी हो सकता है, फोर्स के ऑब्लिक भी हो सकता है, फोर्स के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, फोर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो हमेशा हम ये कहें कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेस अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमेशा ये तो करेक्ट नहीं है बात। हाँ ये जरूर कह सकते हैं हम, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेस अ बॉडी, और कंडीशन अप्लाई है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में, हर एक कंडीशन में वर्क हो जाएगी। तो वर्क एक्चुअली है कितना? वर्क इट इज गिवन बाय, वर्क इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यूनिट यूनिट इज जूल और न्यूटन मीटर, दोनों ही है, जूल भी है न्यूटन मीटर भी है। यूनिट है इसकी जूल और न्यूटन मीटर, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन कर दें, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन कर दें तो क्या बनेगा बोलिए? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा जूल, थीटा इज द एंगल, जैसे कि होता है डॉट प्रोडक्ट में बार बार, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर, एक्सक्यूज मी सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, ओके। अब ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल से इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या, इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या? ध्यान से देखिए, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में कि हमारा जहां हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एक्चुअली उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता। सपोज एक संदूक खींच रहे हैं आप, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप तो फोर्स लगा रहे हैं ऑब्लिकली एक सर्टेन एंगल पर ऊपर की तरफ, लेकिन आपका जो संदूक है, जो बॉक्स है आपका, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये यहाँ मूव कर रहा है। तो देर इज अ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वैक्टर एंड फोर्स वैक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, देर इज अ सर्टेन एंगल बिटवीन फोर्स वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर थीटा, दिस इज द थीटा इन दिस इक्वेशन, थीटा इज द
एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो यहां तक की सारी बात? अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट जूल है, तो जूल एक्चुअली है कितना, जूल एक्चुअली है कितना, ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन में क्या, इन इक्वेशन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इफ एफ इक्वल्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स 1 मीटर एंड थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, देन वर्क इक्वल्स 1 जूल। 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क है ये, ठीक है। कितना है 1 जूल ऑफ वर्क? सपोज आपने एक बॉडी है, वॉट एवर बी द मास ऑफ दिस बॉडी, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इसका मास क्या है, वॉट एवर बी द मास ऑफ द बॉडी, यू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड यू डिस्प्लेस द बॉडी, यू डिस्प्लेस दिस बॉडी कीपिंग योर फोर्स कॉन्स्टेंट 1 न्यूटन, कीपिंग योर फोर्स कॉन्स्टेंट 1 न्यूटन, यू डिस्प्लेस दिस बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, by distance of 1 meter, then you have done 1 joule of work. किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया और आपने अपनी फोर्स के साथ साथ फोर्स को मेंटेन रखते हो, ऐसा नहीं कि 1 मीटर डिस्टेंस के बीच में फोर्स 1 न्यूटन से ऊपर नीचे हो जाए, कुछ चलने से लेकर के 1 मीटर होने तक पूरी जगह कॉन्स्टेंट फोर्स बनी रहे 1 मीटर, और ये आपका जो मोशन हो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the displacement vector is in the direction of force vector, then you have done 1 joule of work. 1 joule of work is said to be done where a force of 1 newton displaces a body through 1 meter in the direction of force vector. 1 joule of work, 1 joule is the work done on a body or by a body by a force of 1 newton when body is displaced by 1 meter in the direction of फोर्स, एग्जैक्टली 1 मीटर, 1 जूल ऑफ वर्क हो गया। अच्छा, हमारी नॉर्मल लाइफ में 1 जूल कितना हो सकता है? देखो कौन इसका आंसर देगा, प्रखर मुझे आपसे उम्मीद है इसका आंसर दे सकते हो। हमारी हमारी नॉर्मल लाइफ में हम कैसे जाने कि 1 जूल ऑफ वर्क कितना होता है? इसका एक छोटा आइडिया, एक इससे पहले इसके बारे में एक आइडिया पहले ही आपको मैं दे चुका हूँ। थोड़ा सा सोचिए आप कि 1 जूल ऑफ वर्क प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे कैसे समझेंगे 1 जूल ऑफ वर्क कितना होता है? नहीं, प्रॉब्लम तो यही, देखो प्रॉब्लम तो यही है। चलो मैंने यहाँ पे इस पर फोर्स लगाई 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, 1 मीटर का तो मैं नाप लूंगा, लेकिन मैंने इस पर फोर्स जो 1 न्यूटन लगाई है उसको कैसे नाप लूंगा, कैसे मेजर करूंगा उसको? फोर्स नापने के लिए तो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं, मतलब नॉर्मल लाइफ में हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम सीधे सीधे फोर्स को नाप सकें। वेट को नाप सकते हैं हम, जो वेइंग स्केल है उससे वेट को नाप सकते हैं, एक्चुअली वो भी फोर्स ही होता है, लेकिन हम मैंने अपनी उंगली से यहाँ एक फोर्स लगाई है तो मैं इसे कैसे पता लगाऊंगा कि 1 न्यूटन ही लगा रहा हूँ या 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, कितना? यही तो प्रॉब्लम है। प्रखर आप बताइए इसका आंसर अगर आप समझ सकते हैं। सर मतलब सर 100 ग्राम की बॉडी है और हमने उसे ऊपर को उठा दिया 1 मीटर से, तो हमने उसे 1 जूल वर्क कर दिया। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो देखो यही एक निशानी होती है। प्रखर गर्ग का, प्रखर गर्ग हाईएस्ट 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके, प्रखर गर्ग के, और वो ग्रुप में इनका फोटो वगैरह भी आ रहा था। तो एज यूजुअल आप सब 11th क्लास से आए हैं, प्रखर के साथ ही आप में से कई कई बच्चे प्रखर की क्लास के होंगे 11th में, 10th में तो आपके शायद 2-3 सेक्शन थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रखर एंड ऑल अदर, मैं एक्चुअली मुझे प्रखर नाम नहीं बोलना चाहिए, what is the basic difference between so called, I never say any student intelligent, I always say so called, kyunki actually intelligent to koi hai nahi, intelligent, so called intelligent and so called weak student, weak to koi hota hi nahi actually, mere hisab se koi student weak nahi hai, koi student intelligent nahi hai, so what this is the only difference कि सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने पीछे से एक चीज को समझने के बाद उसका यूज करते हैं आगे एक नया फिनोमिनन समझने में, दे आर कॉल्ड इंटेलिजेंट, दे आर कॉल्ड इंटेलिजेंट बट एक्चुअली दे आर नॉट इंटेलिजेंट, एक्चुअली
प्रखर इज नॉट एन इंटेलिजेंट, बस इन्होंने क्या डिफरेंस है कि जो अब तक यूज किया उसे, जो अब तक सीखा उसे आगे सीखने के लिए यूज कर दिया. एंड सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट, सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट आर द स्टूडेंट हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक एवरी कंसेप्ट एज ए न्यू कंसेप्ट. वो हर चीज को एक नया टॉपिक बना करके उसे सीखने की कोशिश करते हैं, इंटर रिलेट नहीं कर पाते एक दूसरे टॉपिक्स में, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में चौथा, और पहले में से फिर पांचवा, और चौथे और पांचवे को आपस में जोड़ना, ये काम वो नहीं कर पाते, सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट. तो जब आप ये सीख लेंगे, अपने अपनी नॉलेज को यूज करके आगे अपनी और नॉलेज बढ़ाना या उस नॉलेज को यूज करना, बस यही इंटेलिजेंसी और कुछ भी नहीं है इंटेलिजेंसी. और मैंने बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ में ऐसे भी देखे हैं जो सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट थे किसी टाइम में, और जब उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट किया तो दे बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन स्कूल एंड अदर एकेडमिक्स. एक बच्चा है, मैं बड़ा बड़ा फर के साथ नाम लेता हूँ उसका, किसी दिन बताऊंगा आपको उसकी कहानी. भरत सोमल, भरत सोमल बड़ा वीक बच्चा था, बड़ा वीक बच्चा, इतना वीक बच्चा था कि वो एक टाइम में फेल हो गया था, फेलियर, ही वॉज अ फेलियर, फेल हो गया था बिल्कुल. और आज और एक इल्म में मौज ले रहा है, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, जबरदस्त इंप्रूवमेंट था उस बच्चे का. सो देर इज नो वन वीक, नो वन इंटेलिजेंट, एनी वन सो कॉल्ड वीक बिकम इंटेलिजेंट, कैन बिकम इंटेलिजेंट, कैन बी इंटेलिजेंट, जस्ट गेन नॉलेज एंड यूज इट, गेन नॉलेज एंड यूज इट, गेन नॉलेज एंड यूज इट. तो बहुत बढ़िया प्रखर ने आंसर दिया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि प्रखर ने जब हम बात कर रहे थे फोर्स की, तब वहां एक एक आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी नॉर्मल लाइफ में 1 न्यूटन की फोर्स कितनी होती है. तो वहां आपको एग्जांपल दिया था कि आपने अपने हाथ में एक 100 ग्राम का, 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ, चाहे वो 100 ग्राम 100 ग्राम बर्फी हो, या 100 ग्राम जलेबी हो, या 100 ग्राम रसगुल्ले हो. अब मुझे देखो भाई, खाने पीने की चीज याद आती है क्योंकि मेरा दूसरा चैनल फूड चैनल है, उस पर मैं फिटनेस भी शुरू करने वाला हूँ. तो 100 ग्राम की कोई भी चीज अगर आपने ले लिया, तो इसका जो वेट है एक्चुअली वो 1 न्यूटन है, नॉट रियली 1 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन. इट्स वेट इज 1 न्यूटन, इट्स मास इज 100 ग्राम, द वेट इज 1 न्यूटन. तो आपने इसे रोकने के लिए, अपने अपने हाथ में रोके रखने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? एटलीस्ट आपका जो फोर्स अप्लाइड है इट शुड बी 1 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट. और अब आपने विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन दिए, इस 100 ग्राम की चीज को उठा करके 1 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया, 1 मीटर की ऊंचाई पर ले गए. तो आपने फोर्स कितनी लगाई? फोर्स आपने लगाई 1 न्यूटन. डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? डिस्टेंस आपने 1 मीटर कवर किया. तो वर्क कितना हो गया? वर्क आपका 1 जूल हो गया. 100 ग्राम की एक चीज को आपने हाथ से 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा दिया, तो आपने 1 जूल वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी. ध्यान रखना, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अब मे बी पॉसिबल कि आप किसी और फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क कर रहे हो, टोटल इट इज नॉट द टोटल वर्क डन. लेकिन जब आपने 100 ग्राम की एक चीज को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा दिया, देन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज अबाउट 1 जूल, इट इज अबाउट 1 जूल. कोई दूसरे फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो उनके अबाउट, उनके अगेंस्ट भी वर्क हो सकता है या उनके फेवर में वर्क हो सकता है, तो, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने 1 जूल ऑफ वर्क किया. वेरी नाइस प्रखर, आई एम फाउंड ऑफ यू. किसी दिन मैं भी आपका नाम, मैं आपका भी नाम ऐसे ही बोलूंगा, भरत सोमल की तरह से, भरत सोमल है, या अभी पिछले दिनों आपके स्कूल के बच्चा है, क्या नाम उसका, आकाश भाटी, ही वॉज सो कॉल्ड अ वीक स्टूडेंट वंस इन स्कूल एंड नाउ ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ इन इन ट्रेनिंग टू बिकम अ फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स. मजे ले रहा है. अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने कॉल पर बताया कि कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, बड़ा सुनकर मजा आ रहा था. तो आप भी अपनी लाइफ का आनंद ले सकते हैं, और जैसे मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसी मैं किसी दिन आपकी बात करूंगा किसी और से. तो बस आपने अपने आप को सो कॉल्ड वीक से सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बना लेना. एंड एवरी वन ऑफ यू, ईच ऑफ यू हैज द सेम कैपेबिलिटीज, ईच ऑफ यू हैज द सेम कैपेबिलिटीज, बस यू हैव टू एक्सप्लोर. You have to explore yourself. You have to explore your capabilities. है सबके पास, use नहीं कर रहे हैं,
वेस्ट कर रहे हैं उसको. एनीवे बहुत हुआ ये बात. तो 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन 1 जूल सॉरी 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्चुअली डिस्प्लेस अ बॉडी ऑफ अ बॉडी इन 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो दिस इज 1 न्यूटन.